हेलो फ्रेंड्स, आपका ग्रीन मोड ऑन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल वीडियो लाई हूँ जो कि एप्पल ट्री पे है और ये मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट में भी था कि मैं अपने रूफ गार्डन लगाऊं। और दोस्तों, मैंने लगा लिए और मेरे एप्पल लग तो दोस्तों, मैं M9 करके इस वैरायटी का एप्पल का एक प्लांट लेके आई और रूफ गार्डन के पॉट में लगा दिया। 40 लीटर के बकेट में लगा दिया, जो सेल मिलते हैं ना ड्रम टाइप के, और उसमें इस बार देखिए फ्लावरिंग हो गई 2 साल में। और जैसे इसमें फ्लावर स्टार्ट हुए, मुझे तो बहुत ही उम्मीद जगी कि शायद मेरे छत पे अब से लग जाएंगे। मेरे को अपने रूफ गार्डन बनाने का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें एप्पल प्लांट लगाना मेरा सबसे प्रायोरिटी पे था कि मेरा एक सेब का पेड़ अवश्य लगे और मेरी छत पे सेब दिखाई दे। तो दोस्तों, और वो लगने में सक्सेस हुआ। अब स्टार्टिंग में इसके फ्लावर इतने सुंदर आए, ये 12 मार्च 2020 में देखो पूरा पेड़ फूलों से लद गया और देखने में इसके फूल इतने सुंदर थे। बस इसमें पॉलिनेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए वो बीज आ ही नहीं पा रही थी जो मधुमक्खियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके दूसरे फूलों को इनके आसपास रख के तो इनका पॉलिनेशन हुआ। इतने ज़्यादा फूल आए उतने फल नहीं आए, ये फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग थी इस वजह से। और ऊपर से पॉट में भी है, ग्राउंड और पॉट में कुछ तो डिफरेंस रहता ही है। तो देखिए कि सुंदर सुंदर फूल आए। और मैं चाह रही थी कि मैं अपने रूफ गार्डन में हर तरीके के प्लांट लगाने का प्रयास कर रही थी, और यूनिक प्लांट लगे तो उसकी बात ही क्या है। और एप्पल अपने आप में एक यूनिक प्लांट है अगर छत में लग जाए तो। इसके फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद ये फ्लावरिंग जब थोड़ी सूखने लगे तो इनसे एक आध पॉलिनेशन सही से हुआ होगा तो फल बनने के लिए अब तैयार हो गया ये पेड़। और इसमें देखो एक छोटा सा फल बनने स्टार्ट हो गया। इससे पहले मैंने कभी इतने करीब से फूल से फल बनता हुआ एप्पल नहीं देखा था। तो मैंने इसकी सबकी वीडियो शूट की, तो आप लोगों के लिए भी मैं रिकॉर्ड करके मैंने रखा और आप लोग भी ने देखिए कितने किस तरह से फ्रूट तैयार होता है। और अब ये छोटा सा है कली से, अब ये इसका फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे इसका कैसे डेवलपमेंट होता है फल का। एप्पल ट्री लगा के ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, एटलीस्ट 3-4 महीने तो लेगा। लेकिन मैंने फिर भी इन्हें लगाया और खुद अपनी आँखों से देखा फल बनते हुए। नहीं तो हम लोग एप्पल के गार्डन में जाने की चांस बहुत कम ही मिल पाती है। तो प्लांट को घर में ला के मैंने उसका पूरा डेवलपमेंट देखा, बहुत मज़ा आया। सबसे पहली बात तो एप्पल ही तैयार हो गया। तो अब ये देखिए इसका साइज थोड़ा और बड़ा हुआ है और मैंने इसको शूट किया है। अब ये नीचे की साइड से थोड़ा फूल रहा है, एप्पल की तरह आकार ले रहा है। और देखिए है कितना सुंदर सा फल तैयार हो रहा है। इसको M9 करके वैरायटी है जो इजीली प्लॉट मेरे पॉट में ग्रो हो गई
तो नर्सरी वालों ने ये बोला कि M9 अच्छे से लग जाएगा पॉट में। तो ये देखिए इसका फल, और से फ्रूटिंग हुई, उसी के आसपास से लीफ डेवलप हो रही है, देखिए कितने अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अगर हमें रूफ गार्डनिंग करनी है तो हम थोड़ा हटके करें, थोड़ी यूनिक टाइप में करें, जिससे हम लोगों को दिखाएं तो उन्हें भी अच्छा लगे, एक यूनिक चीज़ लगे। कॉमन फल सब्जी तो लगा ही लेते हैं सभी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पर अगर हम ये एप्पल और इस तरह की यूनिक प्लांट लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये फल टिप पे दो लगे हैं, अब इनमें लगे तो हैं लेकिन इनमें 100% सारे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जितना सक्सेस उसमें मिला, पीच के आड़ू के प्लांट में मिला, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो उतने ज़्यादा इसमें थोड़े कम लग गए। अब देखिए आप लोग इतने करीब से एप्पल का छोटा सा शेप। अब ये ऊपर से कली पूरी बंद हो गई, अब नीचे से ये बढ़ता जाएगा फ्रूट, आप लग गए होंगे, अब नीचे से शेप लेता जा रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। और धीरे धीरे मैंने इसकी ग्रो होते देखा एप्पल को, तो और आप लोग सब लगाइए, और इजीली लग जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस मन में होनी चाहिए इच्छा शक्ति, विल पावर हो तो हम लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा और इसका शेप बड़ा हुआ, और अभी तो ये ऊपर की तरफ है, जब थोड़ा हैवी हो जाएगा ये एप्पल का शेप तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, अभी तो आसमान की तरफ देख रहा है। तो देखो है ना, तैयार हो गए धीरे धीरे ये फल मेरे। सेब का प्लांट लगा के मुझे जितनी खुशी हुई है, मैं और भी मैंने कई फ्रूट्स के प्लांट लगाए हैं, लेकिन मुझे जो एप्पल वाली खुशी है, क्योंकि आज से पहले मैंने इसके ना प्लांट देखा ना इसकी फ्रूटिंग लगते हुए बढ़ते हुए देखी थी, तो ये मेरे अपने आप में बहुत देख के मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं। देखिए ये भी एक है, और मेरा तो मानना है कि रूफ गार्डन में ये जो फ्रूट वाले प्लांट हैं ये तो लगा ही लेने चाहिए, क्योंकि इन्हें 4-5 साल तक फ्री हो जाते हैं एक बार लगा के, बार बार हमें सीजनल प्लांट की चक्कर नहीं पालना पड़ता, और जो हमें फल मिल जाते हैं उन्हें खा के जो एनर्जी मिलती है वो तो मिलती है, देख के उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए मार्केट में तो सब चीज़ अवेलेबल है ही, लेकिन जो अपने गार्डन में देख के एनर्जी मिलती है उसकी तो तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते। अपने हाथ का तैयार फल ये देखिए, मैंने आज से पहले कभी इस तरह इस छोटे से इस इतने छोटे एप्पल को नहीं देखा था। ये देखिए अब शेप लेने लगा। अब इस प्लांट को मैंने खींच के अंदर शेड में कर लिया है, अभी तक तो ये ओपन में रखा था, उसी जगह रख लिया जहाँ मेरा पीच का प्लांट था, और वहाँ से सामने फ्रंट से जाली से जो धूप आ रही है उसी से इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ग्रोथ कर लेगा। क्योंकि भाई देखिए क्या, अगर कभी मेरे जो 5-6 एप्पल जो भी लगे हैं, 10-6 जो भी लगे, अब किसी दिन अगर आ गया बंदर वगैरह तो एक ही दिन में सारी मेहनत पे पानी फेर, इसलिए मैंने इसे अंदर कर लिया। ये देखिए अब इसका काफ़ी अच्छा शेप आ गया, और अब ये थोड़ा नीचे की तरफ झुकने लगा, इसका वेट बढ़ रहा है ना, तो अब ये नीचे की तरफ, और अभी तो इसका कलर ग्रीन ही है, अब पता नहीं देखते हैं इसमें रेड लाइन आती है या नहीं आती है, या ये गोल्डन है। M9 करके दिया था मुझे तो, अब देखिए, पर भी क्या, सेब तो सेब है, एप्पल अपने आप में, और पॉट में लगा लिया। ये देखिए इसका अच्छा शेप आने लगा, और अगर सब लोग लगाएं तो, क्योंकि ये थोड़ा हटके प्लांट,
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी भी इनका आसमान की तरफ मुंह है क्योंकि ये अभी हल्के हैं। जब थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता जाएगा ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाएंगे। और ये जो ब्लू कलर के ये जो मिल जाते हैं ये ड्रम टाइप के, ये मुझे 150 तक में मिल गया था। ये 40 लीटर तक का है इसकी कैपेसिटी। तो ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया ना, और बिल्कुल आप एप्पल का रूप ले लिया इसने। बस अब पकने की देर है। तो लेकिन मेरा मन किया मैं ये वीडियो शेप लेते ही अपलोड कर दूं। इसका मैं सेकंड वीडियो और बना दूंगी अगर इसमें जौन सा भी कलर आएगा, अगर ये येलो गोल्डन एप्पल बनता है या ये रेड लाइनें आएंगी, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मेरा मन किया मैं इतना ही बना के अपलोड कर लूँ, आप लोग को दिखाऊँ कि सेब अभी फ़िलहाल तो ग्रीन है, हरा है, तो लेकिन मैंने सोचा दिखा दूँ मेरा। और तो में भी काफ़ी ग्रोथ आ गई, पेड़ बढ़ने लगा है, फ्रूटिंग के बाद की लीव्स काफ़ी ग्रो हो गई हैं। और देखिए इसका बिल्कुल शेप का लुक आ गया अब तो, और इतना सुंदर लग रहा है। फिलहाल तो ग्रीन है। पॉट में लगा एप्पल कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो खाने से ज़्यादा देख के एनर्जी ले लेती, इतना सुंदर लगता है। ये देखिए दोनों दो सेब एक साथ लगे, और अभी शायद पता नहीं इसका शेप कितना और बड़ा हो, लेकिन सेब देखिए इस एप्पल का दोनों इसकी डाल पे जब लग जाते हैं तो इसमें काफ़ी वजन सा आ जाता है, तो डाल नीचे झुकने लगती है। क्योंकि अभी ये मेरा प्लांट नया है तो मैंने फिर उस डाल को थोड़ा ऊपर अंदर सपोर्ट दिया और डंडी से कहीं सपोर्ट दिया जिससे ये ज़्यादा डाल ना झुक जाए, क्योंकि अभी ये इतना मजबूत पेड़ तो है नहीं और एप्पल का लोड कम ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट भी देना पड़ता है डंडियों में जो जिसमें एप्पल वगैरह लगे। वजन अब लोड बढ़ रहा है इन पे, तो काफ़ी अच्छा 6 फुट तक का पेड़ हो गया, 6 फुट से भी ऊपर निकल गया 2 साल में। और ये पहले साल तो लगा नहीं है, सेकेंड ईयर के 2 साल हो गए नर्सरी से लाए और इस साल लग गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ग्रीन कलर का एप्पल है। अब इसका टेस्ट तो मैं बाद में ही खा, अभी और थोड़ा बढ़ने दूंगी, इसे देखते हैं इसका कौन सा कलर बनेगा, तो तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी कि इसका क्या शेप है और कैसा है। लेकिन इसकी फ्लावरिंग इतनी सुंदर थी ना, मैं ज़्यादातर ऐसे ही फल लगाने में विश्वास करती हूँ। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।